Assalamu alaikum, adab, namaste, sastri akal. Welcome back once again to our channel Animal Watching Magazine. तो आज हम बात करते हैं कबूतरों की मिट्टी की. कबूतरों की मिट्टी ऐसी मिट्टी जो कि मिनरल रिच हो, ऐसी मिट्टी की जो कि रामबाण इलाज हो कबूतरों की सेहत का, कबूतरों के प्रवास का, कबूतरों के मसल्स का, कबूतरों के हड्डी का. तो सिर्फ और सिर्फ सादी मिट्टी खिला देना ये कोई अकलमंदी नहीं होगी. और हमने जाना कि अगर साल भर में एक बार ऐसी मिट्टी बना के आप कबूतरों को खिला दें तो उनसे बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि उनके उनकी बीमारी, उनकी तबीयत ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा हेल्दी है, वो ज़्यादा मजबूत और स्वस्थ रहे. तो उनकी मजबूती के लिए मैं आपको आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी आज देखें कि एक बेहतरीन और बेटर तरीन मिट्टी कैसे बनाई जाती है, एक पौष्टिक और मिनरल रिच मिट्टी कैसे बनाई जाती है. तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ सादी मिट्टी अपने कबूतरों को ना खिलाएं, अपने कबूतरों को ऐसी मिट्टी खिलाएं जो मिनरल रिच हो, बेटर हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, सेहत से भरपूर हो. तो ऐसी मिट्टी बनाने से ये फ़ायदा होता है कि बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि लकवा और इन तरह की बुरी बीमारियों से, क्योंकि जब आपका कबूतर ऑलरेडी बदन से, सेहत से रिच रहेगा, मिनरल से, एनर्जी से, न्यूट्रिशन से, सारी चीज़ों से अगर रिच रहेगा तो उससे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि उन्हें कोई बीमारी लगे. तो इलाज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते जिससे बीमारी की कोई खतरा ही ना हो, बीमारी का कोई चांसेस ना हो. तो इसलिए हम आज एक वीडियो लेके आए कि क्या ऐसा हम अपने कबूतरों को खिलाएं कि जिससे बीमारी का चांसेस ही कम हो जाए. तो बीमारी के चांसेस कम करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम अपने कबूतरों को एक बेटर से बेटर पौष्टिक आहार दें, एक बेटर से बेटर पौष्टिक चीज़ें दें. तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को कि हम ये मिट्टी बनाएं तो बनाएं कैसे, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, क्या क्या चीज़ों को किस तरह से मिक्स करें और एक बेटर से बेटर मिट्टी तैयार करें. तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये ईंट, जो कि ये ईंट है और ये ईंट का बिल्कुल भूखा हुआ दाना है और बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में है ये ईंट. और ये ईंट आपको तकरीबन हम जो मिट्टी बनाने जा रहे हैं हर मिट्टी बनाने का कैलकुलेशन अलग अलग होता है. तो हम 4 किलो के हिसाब से बना रहे हैं तो 4 किलो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा ऐसी पाउडर्ड फॉर्म में मिट्टी. आधा किलो आपको लेनी पड़ेगी ये क्या नाम है मुल्तानी मिट्टी. और उसके बाद फिर आपको 250 ग्राम लेनी पड़ेगी ये पिसे हुए गोल मिर्च. और उसके बाद आपके पास जितने भी ये टूटे हुए अंडे हों जो कबूतर के रह जाते हैं जिनसे आपको बच्चे नहीं करवाना, जो कि आप अंडे हटा देते हैं तो उनको ऐसे ज़ाया ना होने दें क्योंकि ये भी बहुत मिनरल रिच और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं कबूतरों के लिए. इनको ये तो अभी थोड़ा छोटे छोटे टूटे हैं, इनको और ज़्यादा पीस लें, इनको और ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में बना लें और ये भी इस मिट्टी में मिलाएं. जो भी 6-7-5-10 अंडे आपके पास हों उन्हें ऐसे ही चूर कर लें और बहुत ज़्यादा चूर कर लें क्योंकि इनके शेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं इस धनिया की. आप ऐसा 250 ग्राम धनिया ले सकते हैं और तकरीबन 2 किलो आप ले लें ये काला नमक पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, पिसा हुआ होना चाहिए. और टर्मरिक, हल्दी भी बहुत ज़्यादा इस मिट्टी में इम्पोर्टेंस रखती है अपनी जगह पे. ये इम्पोर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि ये हल्दी जो है वो हेल्थ के लिए और तकरीबन मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली ये हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और शहद का तो कोई जवाब नहीं, अगर आपके पास शहद है जितनी ज़्यादा आप डाल सकते हैं शहद डाल दें. जैसे मैंने 200 ग्राम लिया हुआ है. और उसके बाद फिर आपके पास आ गया जिंजर पाउडर जो कि अदरक पाउडर कहलाता है. ये भी तकरीबन आपके पास 250 ग्राम होना चाहिए. मेरे पाउडर में 50-50 ग्राम के मैंने 5 पैक ले रखे हैं. और आपके पास ग्लूकोन डी भी होना चाहिए क्योंकि ये ग्लूकोज डी इसके अंदर होता है. ग्लूकोज डी अगर आप ये ग्लूकोज डी इसमें होता है तो अगर इसमें आप तकरीबन 1 डिब्बा ग्लूकोन डी डाल दें तो ग्लूकोज से भी रिच हो जाता है. ये गर्मियों के लिए डालने में ये रहता है कि बदन ठंडा रहता है और कबूतर अच्छा फील करते हैं. उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं ये मिट्टी. ये नदी के किनारे की मिट्टी है. ये नदी के किनारे की मिट्टी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये मिनरल रिच होती है, पौष्टिक होती है और ये
अगर आप इन्हें देख तो ये हमने तकरीबन ले रखी है आधा से एक किलो मिट्टी, आधा से एक किलो नदी वाली मिट्टी लेंगे। और उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं SPL की ये दवा, जो SPL की ये कैल्केरिया फॉसोरिका है 6S। अगर आप ये होम्योपैथिक की ये दवा लें और इसके तकरीबन 30 से 35 गोलियाँ अगर आप दें पीस के, ये 30 से 35 गोलियाँ प्लस आप लेवोनाइस आप ले सकते हैं, होम्योपैथिक की लेवोनाइस दवा होती है, इसका दाम तकरीबन 100 से 200 रुपया है तकरीबन। और ये दवा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लीवर के लिए, तो इसकी भी 30 से 35 गोलियाँ लेके इसमें मिक्स करें। और अब ये है कोलफाइन। कोलफाइन एक ऐसी दवा है जो बदन को ठंडा रखती है, जो लकवे की बीमारियाँ और जो तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, ये ऑलरेडी अगर आप इसमें 30-35 गोलियाँ डाल के मिक्स कर दें तो चांसेस कम हो जाता है कि ऐसी कोई बीमारी पैदा हो। और उसके बाद दी थी वो थी अजवाइन। ये अजवाइन है तकरीबन 250 ग्राम। आप अजवाइन या तो भूखी हुई ले लें तो बहुत बेटर है, नहीं तो अगर ये पाउडर फॉर्म में नहीं हो तो ऐसे भी काम करेगी, बस इन्हें ऐसे लेना। और ये जब आप ग्राइंड करना शुरू करें, मिक्स करना शुरू करें, तो आप इन्हें मिक्स कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के साथ। अब इसके बाद हम दिखाने जा रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कैसे करें, क्या स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर होगी जिसके बना पर हम एक अच्छी मिट्टी तैयार करें। देख रहे हैं अब हमने यहाँ पे मिक्सिंग सेक्शन में आ गए हैं, अब हम सारी चीज़ें लेके आ चुके हैं, तो अब हम इसे मिक्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे मिट्टी इस बोरी पे और मिट्टी को नीचे गिरा लेंगे और मिट्टी को इस ईट वाली मिट्टी से मिक्सअप करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसे मिक्स करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसे डालने के बाद धीरे धीरे डालो, इसे डालने के बाद फिर अब मुल्तानी मिट्टी डालो उसके ऊपर से। अब ये मुल्तानी मिट्टी जैसा आप देख रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी हमने इसमें मिक्स की। और इसमें मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करने के बाद अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे पूरी तरह से। अब धीरे धीरे से इसे ग्राइंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे बिल्कुल कायदे से और इसे धीरे धीरे हाथों से, अगर सूखी रहे तो ये ज़्यादा बेटर है, सूखी चीज़ें ईजिली जो होती हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो इसमें ये तीनों चीज़ हम कायदे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम अब लेंगे आपका काली मिर्च और अजवाइन। अब इसमें काली मिर्च हमने डाल दी, काली मिर्च पूरी तरह से डाल दी और अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। काली मिर्च और अजवाइन डाल के इसे पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। नीचे से भी अंदर हाथ डाल के उसे करो ताकि कायदे से मिक्सअप हो जाए। तो ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अंडा है, अंडे का बिल्कुल चूर। अब हम इस चूर को इसमें मिला देंगे। अब धीरे धीरे मिक्स करना शुरू करो, इसे चारों तरफ से फैला के डालें, थोड़ा सा जितना फैला के डालेंगे उतना बेटर डालें। धीरे धीरे इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे हम इसमें पूरी तरह से ताकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अब उसके बाद हम लेंगे धनिया, जिंजर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और आपका काला नमक, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें ऐड करते चले जाएंगे। ये है 100 ग्राम धनिया, तकरीबन 250 ग्राम, ये पूरा दो पैकेट है, दूसरा पैकेट वो रखा हुआ है। अभी हम दूसरा पैकेट इसमें मिक्स करेंगे और ये दूसरा पैकेट इसमें गया। अब ये धीरे धीरे इसमें मिक्स करना शुरू करेंगे ताकि ये पूरी ईजली तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये भी इसमें डाल दें।
फिर फैला के डालें थोड़ा। अब ये इसमें डाल दिया हल्दी, हल्दी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मिट्टी को बनाने के लिए, इनसे इनकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। अब इसे हम धीरे धीरे और मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल कायदे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हल्दी की इस वक्त। अब धीरे धीरे इसमें मिक्सअप करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट एंड जिंजर जिंजर पाउडर, दो चीज़ें और एडिशनल बची रह गई। तब उसके बाद फिर हम लास्ट में पानी में घोल के शहद डालेंगे। तो इसे बहुत कायदे से मिक्स कर लें हाथों से अपने धीरे धीरे। तो ये है दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये है काला नमक। अब ये काला नमक चौतरफे से फैला के हम डालेंगे ताकि ये चारों तरफ से मिक्स हो जाए, और उसके बाद एक बार हम इसमें हाथ चला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए, फिर हम दूसरा पैकेट इसमें डालेंगे। अब जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे जोहेब भाई, हमारे पिजन लॉफ्ट के मालिक, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त कबूतरबाज मिस्टर जोहेब इस टाइम मिक्स करते हुए चीज़ों को, और अब इन्होंने इसमें दूसरा पैकेट मिक्स कर दिया। ये हाफ हाफ केजी के चार पैकेट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 किलो ब्लैक सॉल्ट पाउडर होना चाहिए। ये ब्लैक सॉल्ट है, 1 किलो मिक्स हो चुका है। अब धीरे धीरे छोटे थोड़े छोटे छोटे पैकेट में बन चुके थे, अब उन्हें धीरे धीरे छोटा कर रहे हैं हम। अब ये और पैकेट हम जो है भाई को देंगे कि वो और डालें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तीसरा पैकेट इसमें हम मिक्स करने जा रहे हैं, फैला फैला के डालेंगे तो आपको ज़्यादा मिक्स करने में परेशानी नहीं होगी, इससे ऑलरेडी हर तरफ पहुँच जाएगा। अब इसके बाद लास्ट पैकेट हमारा बचा है जो कि हम इसमें मिक्स करेंगे, और ये रहा लास्ट पैकेट। अब ये लास्ट पैकेट भी इसमें मिक्स कर दिया हमने। अब जैसा कि देख रहे हैं हमारे सैफ भाई भी बहुत मदद कर रहे हैं मिस्टर जोहेब की। ये जिंजर पाउडर इन्होंने खोल खोल के दे दिया ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बन जाए, ज़्यादा लंबी ना बन जाए। तो इसमें जल्दी जल्दी अब जिंजर पाउडर भी हम ऐड कर लेंगे। जिंजर पाउडर भी हम धीरे धीरे मिक्स करना शुरू कर देंगे। अदरक भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टफ है, इससे नुस्खा और बेहतरीन तैयार होगा, मिट्टी और ज़्यादा ठंडी रहेगी, और किसी भी अदरक मिल रही है इसमें, इस किसी भी अदरक को मिला लेंगे पूरी तरह से। इसमें 5 पैकेट थी 50 ग्राम्स की, ये भी 250 ग्राम थी, इसे भी हम पूरी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। नीचे नीचे से हाथ डाल के निकालेंगे ताकि वो कायदे से बिल्कुल मिक्सअप हो जाए एक एक चीज़, ताकि कोई भी चीज़ फंसी ना रह जाए। अब आखिर में हम ग्लूकोज के लिए हम डालेंगे ग्लूकॉन डी, इसमें ग्लूकॉन डी ऐड करेंगे, और आधा पैकेट इसमें ग्लूकॉन डी तकरीबन ऐड कर देंगे ताकि इसमें ग्लूकोज भी पहुंच जाए, आधा पैकेट बस, ज़्यादा नहीं, आधा पैकेट इसमें हमने ग्लूकॉन डी ऐड कर दिया ताकि ग्लूकोज के लिए पूरी तरह से इस गर्मी में उन्हें ग्लूकोज भी मिलता रहे मिट्टी के ज़रिए। और अब ये हमारी पूरी तरह से सारी चीज़ें तैयार हो चुकी। अब हम हनी और मेडिसिंस जो बची थी वो डाल देंगे। ये जैसे कि शहद का डिब्बा है आप देख रहे हैं, अब ये शहद का डिब्बा मिस्टर जोहेब खोल रहे हैं, इसे खोल के अब पानी के अंदर मिलाएंगे ताकि वो ईज़िली मिक्सअप हो जाए। जब वो ईज़िली मिक्स हो जाएगी तो हम फिर इसमें डाल देंगे, वरना डायरेक्टली अगर हम इसमें डालेंगे तो वो कायदे से मिक्सअप नहीं होगी इस बार, फिर हमें मिलाना में दिक्कत आएगी। और इसे हम मिक्स करके थोड़ी सी उंगली से चला देंगे ताकि वो और ज़्यादा ईजली पानी में एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके बाद फिर जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया कि ये तीनों दवाएं थीं, इन तीनों को हमने ले लिया, और इन तीनों को हम पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं, पाउडर्ड फॉर्म इसका हमने ले लिया है। अब हम इस पाउडर्ड फॉर्म को भी इसमें ऐड कर देंगे, इस पाउडर्ड फॉर्म को भी हमने इसमें डाला, और हम इसमें मिला देंगे पूरी तरह से ताकि ये पूरी तरह से मिक्सअप हो जाए। और कायदे से मिलाने के बाद
अब इसमें हम बीच में एक छेद बनाएंगे और बीच में ही शहद डाल देंगे ताकि तो पूरी तरह से मिक्सअप हो जाए शहद। और थोड़ा सा पानी हम और ले लेंगे, थोड़ा पानी लेते हैं तो, और पानी डाल देंगे ताकि ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। थोड़ा सा पानी इसमें और हमने डाल दिया, अब इसे मिक्स कर लेंगे।